लक्ष्मी और ऋषि के बीच हो रही है नोकझोंक। सबके सामने लक्ष्मी ने ऋषि की लगाई क्लास। ऋषि ना मेरी हर एक बात मानता है, एक एक बात जो मैं उसे कहती हूँ ना मान जाता है, एक एक बात मानता है। और क्या मैंने बताया तो हुकूमत चलती है मेरी, मतलब तेरे जीजू को देख ना, मैंने एक बार बोला मुझे महाबलेश्वर लेके चलो और देखो। आखिर क्या चल रहा है दोनों के बीच आप खुद ही देख लीजिए। दो बातें वो सब छोड़ो, क्या था वो नीचे, क्या क्या तुमने, सबसे पहले तो ऋषि क्या कुछ बोलना चाहेंगे, किस चीज को लेके आर्गुमेंट चल रहा है, एक फोन के बीच के दौरान आप बीच में आ जाते हैं उसमें और फिर कुछ लड़ाई हो जाती है। लक्ष्मी अपनी बहनों से बात कर रही है और अपनी बहनों को वो झूठ झूठ बोल रही है कि अब तो मैं ऋषि पे उसे अपनी उंगलियों पे ना चाहती हूँ, अपनी हुकूमत चलाती हूँ उसके ऊपर एंड ये सारी चीज़ें बोल रही है अपनी बहनों को। उतनी देर में मैं आ जाता हूँ, मैं सुन लेता हूँ ये सारी चीज़ें और मैं उससे बोलता हूँ कि अच्छा बताओ और क्या झूठ बोल सकते हो बताओ। मैं फिर फ़ोन खींच लेता हूँ लक्ष्मी के हाथ से और फिर मैं सच बताता हूँ कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है यहाँ पे। इस नोकियों के बीच में क्या ऋषि भी अब कुछ फीलिंग्स आती जा रही हैं उनकी? अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कल हमने डांस सीक्वेंस शूट किया है तो शायद तब हो सकता है कुछ आ गया हो, थोड़ा बहुत फीलिंग्स, नॉट ऐसा कुछ एविडेंट नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने एक सीन में कहा कि आप उनकी बात इतनी मानने लगे हैं कि उन्होंने आपसे बोला है कि यहाँ पर आने के लिए, महाबलेश्वर आने के लिए। हाँ बट मैंने उन्होंने मुझे धमकी दी थी कोर्ट की, मैं बता दूंगी जाके जज को कि तुम ऐसे मुझे कहीं ले जा नहीं रहे हो, घुमा नहीं रहे हो, अपने साथ नहीं रख रहे हो। सो उस डर से कि वापस से कुछ उल्टा ना हो जाए तो मैंने उसकी ये बात मान ली, लेकिन एक बार में नहीं मानी थी, बहुत बार फोर्स किया उसने मुझे, तब जाके मैं लेके आया उसे। ओके, इधर पे दूसरी तरफ फिर से एक बार लड़ाई हो गई है, उस लड़ाई की क्या वजह है, अगर लड़ाई की अगर बात की जाए तो? ये लड़ाई है, मैं स्विमिंग पूल में गिर जाता हूँ और वो मुझे बचाने आती है एंड वहाँ पे बाहर जब मैं पूल से निकलता हूँ तो खड़ा करके मुझे तमाशा कर रही है, सबके सामने सुना रही है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ और ध्यान नहीं रखता खुद का एंड या उस बारे में उस चीज़ को लेके मैं थोड़ा गुस्सा हो गया क्योंकि यहाँ पे मैं होटल खरीदने आया हूँ और सबके सामने मुझे ही डांट रही है वो, तो इसलिए काफ़ी गुस्सा हो गया मैं। तुम्हें कैसे पता, तुम्हें समझ में आ गया क्या? तुमसे छुटकारा चाहिए ना, 3 महीने बचे, अब तुम्हें और नहीं चल पा रहा हूँ, बस हो गया मेरा। हाँ तो अच्छा है ना, बहुत खुश होगा मैं इसका के साथ।